तो अभी मैं ये लीगोलैंड दुबई इसमें आया हूँ, और इसके बाद मैं लीगोलैंड होटल का भी टूर कराऊंगा और इसके रूम का भी, जो 20 साल इन्होंने स्टार्ट किया है। और फिर अंदर चलते हैं, ये बाकी मिनी लैंड है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने आइकॉनिक बिल्डिंग और सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो ज़्यादा लंबी होगी। इसके अंदर मैं बस एक शॉर्ट क्लिप ही डाल रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे इन्होंने ये गेम्स भी रखे हुए इसी मिनी लैंड में, और इसके साथ जब हमने टिकट परचेज किए तो उसमें ये वाउचर्स भी मिले हैं, तो अगर आप ये गेम जीतते हैं तो फिर इसमें ये मौका मिलेगा, ये टॉयज या जो भी गिफ्ट इनके रखे हैं वो जीतने का। एक और ख़ास बात इस लीगो लैंड की ये है कि इन्होंने जगह जगह प्ले एरियाज भी बनाए हुए, बच्चों की खेलने की जगह बनाई हुई, जैसे कि ये इस तरह की बहुत इंडोर भी हैं आउटडोर भी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मगर एक और बात एट द सेम टाइम जो आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हर राइड की इन्होंने हाइट्स रखी हुई है, और मेजॉरिटी हाइट 100 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो 3 साल का बच्चा है या 4 साल का, अगर उसकी हाइट नहीं है तो फिर वो राइड्स पे नहीं जा पाएगा, तो ये एक मसला है। थैंक यू बोलो, आओ उधर आ जाओ। हाँ कार बना है, कार बना अच्छी थी। गुड, तो बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, और आगे जो भी मैं अपलोड करूँगा, इवन जो लीगोलैंड होटल की या उसके रूम दिखाऊँगा, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4D मूवी भी है, जो बच्चे वही रेडी हैं देखने जा रहे हैं 4D मूवी, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 शोज होते हैं, 4 टाइप की डिफरेंट मूवीज हैं। तो अभी ये रास्ता ड्रैगन राइड की तरफ है, जो कि एक ही बड़ा रोलर कोस्टर है इस लीगोलैंड में, तो वो आपको भी मैं दिखाता हूँ एंट्री और बाहर से कैसी राइड चलती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों की, ये हाइट का इशू है छोटे बच्चों का, जैसे कि जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं और इनके नीचे, तो 95 सेंटीमीटर है, आई थिंक 100 सेंटीमीटर है, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द राइड्स 100 सेंटीमीटर से ऊपर ही हैं, तो ये एक मसला है। अभी मैं अपने बच्चे का ये क्लिप भी दिखा रहा हूँ, रो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी राइड्स में उसे चांस नहीं मिला, तो ये आप लोग चेक करके आएँ ऑनलाइन, ज़्यादा बेहतर मैं रिकमेंड करूँगा, और क्योंकि आप लोग पे भी करेंगे इसके लिए। जैसे मैंने कहा था, काफ़ी मुख्तलिफ प्ले एरिया हैं हर सेक्शन में, तो ये एक और प्ले एरिया आ गया। इस तरह आगे और भी हैं जहाँ बच्चे जाके खेल सकते हैं, लीगो के हर जगह सेक्शन रखे।
और ये एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आप लोग 3 से 4 आर रखें ताकि आराम से राइड करें, आराम से सब कुछ देखें, जल्दी में ना करना पड़े। अभी हम लोग ये सबमरीन जो इन्होंने एक राइड बनाई है, बहुत अच्छी है, बेसिकली एक्वेरियम है, उसको सबमरीन के थ्रू देखते हैं हम। जो राइड बना दी इन्होंने तो बहुत अच्छी है, तो आगे चले मेरे साथ ही। ये भी सामने एक राइड है। तो इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है, मतलब ये खाली एक्वेरियम भी बना सकते थे, बट इनसे सबमरीन की राइड बना के और इस तरह के इन्होंने पूरा एक आपको इंडिविजुअल आपकी पूरी राइड है, तो वो बहुत अच्छा बनाया है। Shark's dorsal fin, which is how this creature gets its name. They may look scary, but are actually pretty sharp. तो बाहर इन लोगों ने इस तरह बच्चों के लिए भी बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये सबमरीन की राइड का। तो डेफिनेट रिकमेंड करूँगा अगर यहाँ आते हैं तो ये राइड ज़रूर करें। हाय फ्रेंड्स, फिर अभी एक ये सी पोर्ट की एक राइड करने जा रहे थे, तो उसमें भी इन्होंने साइड में एक ये बड़ा सा आउटडोर प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने बोला, इन्होंने काफ़ी जगह, हर जगह इन्होंने कुछ ना कुछ खेलने के बनाया है, जो कि बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। ओह, ये सब कहाँ जाए? ये सब बोट में जाए? अभी बोट चला है? तो यहाँ पे बड़ी बात है, यहाँ पे हाइट का इशू नहीं आया और यूसुफ खुद यहाँ पे बोट चला रहा है, तो ये बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।